अस्सलाम वालेकुम, आज कराची में खुश आमदीद। किसी भी चीज़ के लिए जब तक वो कंप्लीट नहीं होती, जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हों, कोई से भी प्रोजेक्ट्स हों, जब तक उसका तहसीन और आयश का काम कंप्लीट ना हो, तो यहाँ पर इस तरीके के इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत सारी ऐसी जगहें बनाई जा रही हैं जो कि कराची वालों के लिए ना सिर्फ दीदाजेब होंगी बोल के, उसके साथ साथ वो कराची वालों के लिए एक अच्छे माहौल की भी अलामत होगी। लेकिन यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि किस तरीके से माशाल्लाह से कराची वाले इस जगह का ख्याल कर रहे हैं कि जो पौधे लगे हुए थे या जो चीज़ें भी लगी हुई थी उसमें कितना बेहतरीन उन्होंने नया बाहर से इंपोर्ट किया हुआ कचरा ला के डाला है, और इस कचरे की वजह से इस जगह की और शान बढ़ गई है। तो कराची वालों से भी मेरी अपील है कि लिहाजा खुदारा और इस तरीके का कचरा ला के डालें, ताकि जिस तरीके से कराची आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन कचरे का ढेर बन चुका है और कराची कचरे का ढेर बन जाए। बीआरटी के इस मंसूबे को आपने और हमने मिल के अच्छा और साफ़ सुथरा रखना है। तो इस बीआरटी के तमाम जितने भी हिस्से हैं इन सबको साफ और सुथरा रखना आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी है। खुदारा इस बात को समझें कि ये पाक वतन आपका और हमारा एक घर है, इस घर को उसी तरीके से साफ रखें जिस तरीके से आप अपने घर को साफ रखते हैं। इस अपनेपन के साथ कि आज कराची की इस वीडियोस को आप लाजमी शेयर करेंगे अपना फ़र्ज समझ के, ताकि उन लोगों तक ये मैसेज जाएं जो कि बीआरटी और इन जैसे तमाम मंसूबों में गंद फैला रहे हैं और वो इन चीज़ों को रोक सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।